मैं डॉक्टर सुरभि गुप्ता, प्रोफेसर कैंसर विभाग, सरोजी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा। आज हम लोग सब लोग विश्व कैंसर दिवस का जो आयोजन कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग कैंसर के प्रति जागरूकता लाएं और लोगों को इसके लिए जागरूक रखें। पिछले 3 वर्षों से विश्व कैंसर दिवस की जो थीम चली आ रही है वो है आई कैन वी कैन, यानी मैं खुद और हम लोग संस्था के रूप में इस कैंसर से लड़ें, कैंसर के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करें, ताकि जो ये कैंसर की जो बढ़ती दिन प्रतिदिन जो बढ़ती बीमारी है, इससे लोगों को लड़ने की शिक्षा मिल पाए और उनमें इसके लिए कुछ अवेयरनेस हो पाए। हम ये जानते हैं कि कैंसर जो है हमारा इससे ही जुड़ा है, हमारे अंदर से उत्पन्न होता है, कोई बाहर से नहीं आता है। तो अगर हम कुछ जागरूक हो जाएं इस बीमारी के प्रति, तो लगभग 50% कैंसर ऐसे हैं जिसको हम लोग रोक सकते हैं, जैसे अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़े बदलाव करके, तंबाकू शराब का सेवन ना किया जाए, हम संतुलित आहार लें। संतुलित आहार का मतलब ये नहीं कि बहुत कॉस्टली आहार लें, संतुलित आहार का मतलब है अपने खाने में दाल, चपाती और सब्जियाँ वगैरह शामिल करें। दिन में रोज़ कम से कम 2 फलों का सेवन जरूर होना चाहिए और हरे पत्तेदार सब्जी, जितनी भी मौसमी सब्जी हैं उसका सेवन किया जाए, तो काफ़ी हद तक हम कैंसर से बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी से लड़ सकते हैं। इसके अलावा जो ओबेसिटी है, दूसरा प्रमुख कारण कैंसर का ये है, तो प्रतिदिन एक्सरसाइज करना, अपने वज़न को नियंत्रित रखना, ये बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज में ये नहीं है कि आप बहुत विग्रेस एक्सरसाइज करें, हल्की एक्सरसाइज 30 मिनट का सिंपल वॉकिंग भी आप पर डे करते हैं और हफ्ते में 5 दिन करते हैं, तो कैंसर से आप बहुत हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीनिंग प्रोग्राम कुछ ऐसे अवेलेबल हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए, अगर फीमेल्स इस चीज़ को स्क्रीनिंग प्रोग्राम के अंदर जाती हैं तो अपने आप को 80% तक सर्वाइकल कैंसर से और ब्रेस्ट कैंसर से सुरक्षित रख सकती हैं। कुछ सिम्टम्स होते हैं, अगर उन लोगों को उन सिम्टम्स को जान लिया जाए और सही समय पे डॉक्टर के पास जाके उपचार किया जाए, तो इस असाध्य रोग को हम लोग साध्य बना सकते हैं और कैंसर से भली भांति लड़ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने साथ मिलकर पोलियो को हराया, स्मॉल पॉक्स को हराया, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी जागरूकता और अर्ली डिटेक्शन से हम लोग कैंसर जैसी बीमारी को भी हरा सकते हैं।